ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट होता है ऊप्स का, OOPS, ऊप्स। ऊप्स का मतलब आप कोई बता सकता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जितनी भी स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस होती है उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके हिसाब से आपको जो है सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं। तो पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन के अंदर जो है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी काम किया जा सकता है, पाइथन के अंदर क्लासेस के थ्रू काम किया जाता है, और पाइथन हर वो प्रिंसिपल फॉलो करता है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो रूल्स हैं, रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो वो सारे ही फॉलो करता है। तो पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं? हम क्लास का यूज करते हैं। और क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है, जिस प्रकार से आपका एक एक नक्शा होता है, एक घर का एक नक्शा होता है, उसे आप क्या बोलते हो? ब्लूप्रिंट बोलते हो। तो उस ब्लूप्रिंट की सहायता से उसी नक्शे के आधार पर आप ऐसे कितने घर बना सकते हो। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में भी यही होता है कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमें क्लास का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। वो क्लास हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार से काम करता है? एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। और उन क्लासेस की मदद से, उन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की मदद से आप बहुत बड़ा क्या बना सकते हो? एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। जैसे जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपका आपका .NET है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सबसे मेन एलिमेंट होता है क्लास। तो क्लास के थ्रू जो है आप एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, और उसके थ्रू आप जो है धीरे धीरे आप अपना सॉफ्टवेयर बनाते चलते हैं। तो सबसे पहले वो जो सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, उसे हम क्लास बोलते हैं। और क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन करने का तरीका, यूज करने का तरीका, वो सारी चीजें जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चलता हूं। तो सबसे पहले आपको यहां जाना है इस सेक्शन के अंदर, और क्लास के सेक्शंस में आप चले जाइएगा। हालांकि आपको अगर पाइथन ट्यूटोरियल्स के अंदर कहीं क्लास सेक्शन मिले, क्योंकि आप ढूंढ सकते हो, ये देखो ये क्लास रहा, अब ये देखो इतनी इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी पढ़ो है, कम से कम 10-15 मिनट तो चाहिए चाहिए पढ़ने में। और इधर आके देखो आप, कुछ नहीं, बस 3 लाइन। तो इसलिए मुझे जो है पर्सनली W3C स्कूल्स बहुत सही लगता है। लर्निंग स्टेज पर भले आप एक्सपर्ट भी हो जाते हो, तब भी यहाँ पर बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में आपको चीजों को बेटर समझा दिया जाता है। और आप ऑफिशियल पे चले जाओ, पूरी के पूरी उसकी हिस्ट्री वो कर देता है, बोरिंग बना देता है, मतलब थ्योरेटिकल बना देता है। पाइथन जैसे सब्जेक्ट को थ्योरिटिकल बना दिया, बट ठीक है, हमारे पास इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातों को हम ध्यान रखते हैं। तो पाइथन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, पाइथन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सो पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्रोसीजर्स के थ्रू आप बनाते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू बनाते हो? तो पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और प्रोसीजरल भी है। प्रोसीजरल मतलब आप फंक्शंस के थ्रू भी अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हो। मैंने आपको एक ऋतिक को मैंने पाइथन का प्रोजेक्ट दिया और एक दीपक को प्रोजेक्ट दिया। मैंने ऋतिक से बोल दिया पूरा सॉफ्टवेयर क्लास के थ्रू बनाना है, तो भी बना लेगा। मैंने दीपक को बोला कि क्लास भूल के भी क्लास यूज मत कर लेना, पूरे पूरा सॉफ्टवेयर सिर्फ फंक्शन के थ्रू बनाना है, तो फंक्शन के थ्रू भी पूरा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो पाइथन जो है प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। वो डिपेंड किस पे करता है? आप पे, डेवलपर पे, कि डेवलपर कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है। वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज करके हुए अपना सॉफ्टवेयर बना रहा है, या फंक्शंस को यूज करते हुए बना रहा है। मगर बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे तो पूरा काम किस पे होता है? ऊप्स पे होता है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट की सहायता से ही होता है। इसलिए बेटर है कि जो कंपनीज में जो काम चलता है वही ट्रेंड, वही स्टाइल, वही टेक्निक हम भी अभी सीखते हुए चले। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास के टॉपिक्स और क्लास के लेक्चर्स। तो यहां पर हमने देखा कि पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। पाइथन के अंदर जो कुछ भी आप देख रहे हो, लिख रहे हो, वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही है। आपने देखा टाइप फंक्शन हमने यूज किया था, टाइप फंक्शन यूज किया था किसी का भी डेटा टाइप चेक करने के लिए, तो आता क्लास ही है। कल किसने पूछा था आपने, क्या नाम है?
प्रिया, प्रिया ने कल व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछा कि सर ये क्लास क्यों लिखा हुआ है, तो अब समझ में आ गया क्या स्टेटमेंट बोला इसने कि एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट किससे बनता है, क्लास से बनता है। तो जब आप डेटा टाइप चेक कर रहे थे सेट का, तो लिखा हुआ आ रहा था क्लास। आप इंटीजर का डेटा टाइप चेक कर रहे थे तो लिखा हुआ आ रहा है क्लास। पाइथन के अंदर हर चीज क्लास से बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि पाइथन के अंदर हर एक जो आप वर्क कर रहे हो वो क्लास के थ्रू ही बनी हुई है विथ इट्स प्रॉपर्टी एंड मैथड्स। अ क्लास इज लाइक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और अ ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने भी चीजें देखी थी तो ये ब्लू प्रिंट क्लास ये चीजें मुझे नहीं आती थी समझ में कॉलेज टाइम पे, बट फिर भी हम उनको चीजों को जब तक आप लाइव प्रोजेक्ट और कोई सॉफ्टवेयर ना बनाए तब तक ये चीजें समझ में नहीं आई। नहीं तो आप उसको बस खाली गुलाब पकाने लग जाते हो कि यार ये कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता होगा, ये ऑब्जेक्ट मतलब जब तक आप कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे ना तब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, अदरवाइज आप कुछ भी समझ लोगे किसी भी चीज को कि यार ये कुछ और ही। तो एक लाइव प्रोजेक्ट बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है, फर्स्ट लाइव प्रोजेक्ट कोई सा भी बनाओ, ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनाओ, कुछ ना कुछ आप बनाओ अपनी। सिर्फ ये थ्योरीज पढ़ने से थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करने से नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट बनाए जिससे आपको बेसिक फाउंडेशन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो। तो क्लास क्या है, क्लास आपका पाइथन के अंदर हर एलिमेंट आपका क्लास से ही बना होता है। क्रिएटिंग अ क्लास, टू क्रिएट अ क्लास यूज द कीवर्ड क्लास। क्लास बनाने के लिए पाइथन के अंदर हम किसका उपयोग करते हैं, क्लास का उपयोग करते हैं। तो चलिए मैं आपको क्लास बना के बताता हूं। तो आप अपने वीएस कोड एडिटर में जाएं और यहां पर एक फाइल बनाएंगे, आप यहां पर अपनी एक फाइल बनाए जिसको आप बोलेंगे क्लास डॉट पाई, और इसको क्लास डॉट पाई की जगह माय क्लास डॉट पाई बोल दूं, और यहां से जो है आप अपनी एक क्लास बनाए। तो सबसे पहले मैं आपको दो रूल्स बता देता हूं। फर्स्ट रूल है एक केमल केस है, और दूसरा रूल मैं बता रहा हूं पास्कल केस, ठीक है। जितने भी फंक्शंस आप बनाते हैं वो केमल केस में, जितने भी क्लासेस आज से आप बनाएंगे वो पास्कल केस में। केमल केस और पास्कल के लिखने के तरीके से ही पता चल गया होगा कि कैसे लिखना है। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल किस केस में होता है, पास्कल केस में। तो जब भी आप कोई क्लास बनाओगे वो इसी स्टाइल में बनाना है। अब नियम दे दिए, अब नियम को फॉलो थोड़ी करता है क्या कोई इंडिया में, और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूएसए में जाओगे उन्हें पास्कल केस में नहीं भगा देंगे आपको, जाओ यार ना आप इंडिया में हो तो वहां कोई नहीं कह रहा है रूल्स फॉलो कर नहीं कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अच्छी कंपनियों में जाओगे, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे तो जो रूल्स उसको हम बोलते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, इन चीजों की हम बात करें तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं प्रोग्रामिंग में वो फॉलो करो। तो मैं यहां पर जो है पास्कल केस का यूज करते हुए एक फंक्शन बनाऊंगा क्लास, एंड आई विल बी गोइंग टू क्रिएट अ न्यू क्लास दैट इज माय क्लास कोलन। अब उसके बाद आप जो है यहां पर मैं तीन मेंबर्स होते हैं, किसी भी क्लास के तीन मेंबर होते हैं, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर एंड थर्ड मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर कौन होता है, दीज आर कॉल्ड पहला मेंबर कौन होता है प्रॉपर्टीज, दूसरा मेंबर होता है आपका कंस्ट्रक्टर, और तीसरा मेथड कौन होता है आपका मेथड्स। तो मैं यहां पर क्या है एक प्रॉपर्टी बनाने जा रहा हूं, और उस प्रॉपर्टी को नाम मैंने क्या दे दिया, x इज इक्वल टू, आप कुछ भी दे जैसे कि इन्होंने दे दिया x इज इक्वल टू 5, यहां पर मैंने दिया x इज इक्वल टू 5। कंस्ट्रक्टर की अभी मैं बात नहीं करूंगा, और यहां पर हुआ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। सो लेट्स, यहां पर मैंने स्टेप फर्स्ट लिखा, स्टेप फर्स्ट इज वॉट, डिफाइन द क्लास, डिफाइन द क्लास, क्लास को डिफाइन इस प्रकार से करना है। और स्टेप सेकेंड क्या होगा, स्टेप सेकेंड क्या होगा, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास। क्लास के द्वारा हमें एक ऑब्जेक्ट का निर्माण करना है, उसके लिए मैं आपको रूल बता देता हूं। तो रूल क्या है, रूल आपका है ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू, देन आप क्या लिखेंगे, क्लास नेम। सो ये फॉर्मूला, ये सिंटेक्स आप याद रखें, और यहीं को ध्यान रखते हुए मैं माय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा,
मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे इज इक्वल टू व्हाट क्लास नेम, तो बताइए मेरी क्लास नेम क्या है, माय क्लास, तो यहां पर मैं लिखूंगा माय क्लास पैरेंथिस स्टार्ट पैरेंथिस क्लोज, नाउ इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ द क्लास यू हैव टू यूज अ डॉट ऑपरेटर। सो डॉट ऑपरेटर क्या है, सो डॉट ऑपरेटर इज मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर क्या है आपका, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। सो किसी भी क्लास के अंदर तीन मेंबर होंगे, प्रॉपर्टी होगा, कंस्ट्रक्टर होगा, मेथड होगा। इस एग्जांपल में सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल, जो वेरिएबल अभी आप बनाते हुए आ रहे थे x प्लस वाई, एक्स में 10 दिया, x में आपने 30 दिया, y में आपने 40 दिया और उनको आपने ऐड करवा दिया। तो अगर आप क्लास में, क्लास के अंदर आप नहीं काम कर रहे हैं, क्लास के बाहर काम कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे, वेरिएबल। क्लास के अंदर आते हैं उन्हीं वेरिएबल का कुछ नाम और अलग हो जाता है, उनको वेरिएबल ना बोलते हुए क्या बोलते हो, है ना। जैसे कि आपको कॉलेज में भले दीपक बोलते हो ना, घर पे आपका कुछ और नाम हो सकता है। कॉलेज में जाएंगे सब दीपक दीपक दीपक, और आप फिर से घर पे चले गए तो घर पे आपका कोई पर्सनल नेम हो सकता है, पेट नेम हो सकता है आपका। तो व्यक्ति तो वही है, मगर वो किस कॉन्टेक्स्ट में है उसके हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाता है। अब नाम चेंज होने से ये मतलब नहीं है कि वो पर्सन ही चेंज हो गया, पर्सन तो वही है, मगर नाम उसका जो है, कॉल करने का जो नेमिंग कन्वेंशन है वो अलग हो जाता है। तो अगर जो वेरिएबल जो है, यही वेरिएबल मैं यहां से कट करके क्लास से बाहर लिख दूं, तो इस एक्स को क्या बोलोगे, सर ये वेरिएबल है। इसी वेरिएबल को क्लास के बाहर से कट करके क्लास की बॉडी के अंदर रख दिया, तो आप क्या बोलोगे, सर ये प्रॉपर्टी। बट वेरिएबल और प्रॉपर्टी एक ही बात है, मगर क्लास के अंदर उसको गलती से भी वेरिएबल मत बोलना, क्योंकि वो सही तरीका नहीं है। वो क्लास के अंदर वेरिएबल को ही क्या बोला जाता है, प्रॉपर्टी बोला जाता है, वो कुछ भी अलग नहीं है। प्रॉपर्टी का काम भी वैल्यू को स्टोर करने का है, वैल्यू का काम भी स्टोर करने का। अरे चीज तो एक ही है, नाम दो अलग अलग दे दिए, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसको अलग अलग चीज से हम बोलेंगे। सो इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब एक लास्ट में आपको बता देता हूं, हाउ वी कैन एक्सेस अ पर्टिकुलर मेंबर। सो एक्स इज माय फर्स्ट मेंबर, सो आई वॉन्ट टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ एक्स। सो ओबीजे डॉट, लेट्स से ओबीजे डॉट व्हाट एक्स। सो इसको मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा। सो प्रिंट किया मैंने यहां पर, और ये मैंने प्रिंट किया, एंड देन कंसोल लॉग करते हैं। इसको शायद मैंने सेव नहीं किया, बताइए क्या आउट, सॉरी मैंने फाइल गलत रन कर दिया। सो py स्पेस माई क्लास, तो जो फाइल पे आप काम कर रहे हो उस फाइल को रन करो, तो गलती से दूसरी फाइल रन हो गई थी, तो मैंने किसको रन किया, माई क्लास को रन किया, देन आउटपुट क्या आ रहा है, 5। चलिए एक एक्स वेरिएबल तो मैंने क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया, और वाई वेरिएबल क्लास के बाहर डिफाइन कर दिया। सो वाई वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 10। तो वाई इज अ, व्हाट इज वाई, वाई इज अ वेरिएबल, वाई इज अ वेरिएबल। एक एक्स जो है वो क्लास के अंदर है जिसके अंदर 5 है, तो यहां पर मैं बोलूंगा एक्स इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, इन दोनों का एडिशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं किसका ऐड कर दूंगा, बाहर वाले वाई से उसका एडिशन कर दूंगा। ठीक है, तो आपको यह पता चल गया कि एक्स जो है हमारी प्रॉपर्टी है और वाई मेरा वेरिएबल है। इन दोनों का ही आउटपुट आपके कंसोल लॉग पे आपको दिखाई दे जाएगा। सो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 15। तो आई थिंक सही है, 10 प्लस 5 15 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप क्लास के साथ भी डील कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा इसके अंदर है, और अभी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने देखा, क्लासेस के बारे में हमने पढ़ा, और हमने साथ साथ, हमने इससे पहले हमने क्या देखा, फंक्शन से रिलेटेड भी हमने कुछ चीजें देखी थी। तो ये आप कंटिन्यू करें, और आज जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे कुछ क्विज, या फिर एटलीस्ट मैं क्विज नहीं भी पोस्ट करता हूं, तो कम से कम ये असाइनमेंट आप मेरे को
स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप में आप सेंड करते रहना और एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करने का मतलब है असाइनमेंट आप सबमिट करवाएं और आपकी इंटरनल मार्किंग्स जो है उस हिसाब से मैं करूंगा। बेसिकली जो मेहनत कर रहा है बच्चा उसको मैं वैसे मार्क्स दूंगा, जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको वैसे मार्क्स दूंगा, जो बिल्कुल ही कॉलेज जाने से जिसको कोई मतलब ही नहीं है वो उसको वैसे वो मैं करूंगा, बेसिकली वैसे ट्रीट करूंगा। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? थैंक यू। ओके।